दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस ओटी सीजन 2 के दो कंटेस्टेंट जिया शंकर और साथ साथ अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान को लेकर खबरें ये आ रही थी कि ये दोनों बिग बॉस 17 में एज ए कपल आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस में इस बार एक थीम रखी गई है कपल्स और वर्सेज सिंगल की। तो यहाँ पर अब आपको बता दें कि एक और बहुत बड़ी खबर अब इन दोनों को लेकर सामने आ रही है। क्या अब बिग बॉस 17 में ये दोनों नहीं आ रहे हैं? क्या बिग बॉस 17 में अब जिया शंकर और फुकरा इंसान को लेकर जो खबरें आ रही थी कि ये दोनों कपल्स बनकर एज ए कपल अब बिग बॉस 17 में एंट्री करेंगे, तो क्या अब नहीं आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं? इसकी लेटेस्ट अपडेट अब सामने आ चुकी है। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार जो बिग बॉस ओटी सीजन 2 हुआ वो लोगों को काफी पसंद आया। आपको बता दें कि यहां पर इस सीजन के यानी ओटी सीजन 2 के दो कंटेस्टेंट को लोगों ने बेहद प्यार दिया। एक कंटेस्टेंट का नाम है एलविश यादव, दूसरे कंटेस्टेंट का नाम है यहां पर फुकरा इंसान। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि इस घर में यानी बिग बॉस ओटी सीजन 2 के घर में एक और कंटेस्टेंट थी जिनका नाम जिया शंकर है। उसे और साथ साथ अभिषेक मल्हान को दोनों को देखकर लोगों ने बेहद प्यार दिया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इनका बिग बॉस 17 में आना तय हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि ये दोनों कपल्स बनकर बिग बॉस 17 में आ सकते हैं। आपको बता दें कि ये मेकर्स का डिसीजन नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि ये दोनों बिग बॉस 17 में एज ए कपल आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि इन दोनों को बिग बॉस 17 के लिए क्या हाँ कर देना चाहिए या फिर इन दोनों को नहीं आना चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ साथ आपको बता दें कि बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।